दोस्तों, हमारे देश भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। ऐसा ही एक मंदिर आसाम की राजधानी दिसपुर से थोड़ी दूरी पर बना हुआ है, जिसे हम कामाख्या मंदिर के नाम से जानते हैं। कामाख्या मंदिर देवी सती का मंदिर है। इस मंदिर की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में एक कुंड बना हुआ है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। कहा जाता है कि इस कुंड से हमेशा ही पानी निकलता रहता है। क्या है कामाख्या देवी मंदिर के इस पानी का रहस्य? क्यों यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है? और आखिर कामाख्या देवी मंदिर को तांत्रिकों और अघोरियों का गढ़ क्यों माना जाता है? दोस्तों, जानेंगे कई अन्य रहस्यमय मंदिरों का राज इस वीडियो में। अंत तक जरूर बने रहिएगा। कामाख्या देवी मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर देवी सती के सिद्ध शक्तिपीठ के रूप में मौजूद है। इस मंदिर को देश के 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि यहीं पर देवी भगवती की महामुद्रा यानी कि योनि कुंड स्थित है। इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या यहां देवी सती की योनि गिरने की वजह से पड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री सती और शिव के विवाह से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे, इसलिए उन्होंने ईर्ष्यावश एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में दक्ष ने देवी सती और भगवान शंकर के अलावा ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, परंतु फिर भी देवी सती भगवान शंकर से उस यज्ञ में जाने का हट करने लगी। भगवान शंकर को पहले से ही अनहोनी का एहसास था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि देवी सती उस यज्ञ में जाएं, लेकिन देवी के हट को देखते हुए भोलेनाथ ने हार मानकर उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। कहा जाता है कि जैसे ही देवी सती यज्ञ में पहुंची, उन्होंने अपने पिता से आमंत्रण ना भेजने का कारण पूछा। बदले में प्रजापति दक्ष क्रोध करने लगे और शंकर भगवान के लिए अपशब्द बोलने लगे। अपने पति का इस तरह से अपमान होता देख देवी सती को बहुत आघात पहुंचा और उन्होंने वहां मौजूद यज्ञ हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को जब इस बात का आभास हुआ तो वह यज्ञ स्थल पर पहुंच गए और देवी सती के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे, जिससे संसार पर खतरा मंडराने लगा। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र की वजह से देवी सती का शरीर 51 टुकड़ों में कटकर अलग अलग जगह पर गिर गया और जहां जहां भी धरती पर ये टुकड़े गिरे, वहां वहां एक एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, जिसे हम देवी के 51 शक्तिपीठों के रूप में जानते हैं। कामाख्या देवी मंदिर उन सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर देवी की योनि गिरी थी और इसी वजह से यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है। दोस्तों, कामाख्या देवी मंदिर को लेकर जो सबसे ज्यादा रहस्यमय बात है वो यह है कि साल के 3 दिन पानी का रंग लाल हो जाता है। इसके पीछे की वजह जानने के बाद आप इस सोच में पड़ जाएंगे कि क्या यह सच में संभव है। दरअसल मान्यता है कि यहाँ साल के 3 दिन माता को रस वाला यानी कि पीरियड्स होता है। इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है और इन 3 दिनों तक मंदिर के कपाट को बंद रखा जाता है। इस दौरान मंदिर से निकलने वाले इस लाल पानी को यहाँ भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। वैसे आपको बता दें कि देवी की पीरियड्स वाली बात का कोई भी पौराणिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ये भी एक सत्य है जो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता है वो यहाँ आने के बाद इस पर यकीन करने लगता है कि देवी के खून की वजह से ही नदी का पानी लाल हो जाता है। दोस्तों, इस मंदिर में एक खास तरह का प्रसाद भी मिलता है जो इसे बाकी मंदिरों से अलग बनाता है। दरअसल यहाँ प्रसाद के रूप में भक्तों को लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है, जिसे अंबुबाची वस्त्र कहते हैं। कहा जाता है कि जब देवी को रजस्वला होती है तब एक सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वह कपड़ा माता के रज यानी खून से भीगा होता है। बाद में इसी वस्त्र को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, जिसे भक्त घर लाकर अपने घर में पूजा स्थान पर रख देते हैं। कहा जाता है कि यह कपड़ा जिस किसी के भी पास रहता है, माता भगवती उसके सारे कष्टों को हर लेती हैं। दोस्तों, रसवला के इन 3 दिनों में यहाँ अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर के पास स्थित भूतनाथ शमशान में तंत्र मंत्र की साधनाएं होती हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला तांत्रिकों की भी मौजूदगी होती है। इन साधनाओं के लिए कामाख्या मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कामाख्या मंदिर लोगों को यह दिखाता है कि माता अपने हर रूप में पूजनीय है। ठीक इस तरह स्त्रियों का भी यह रूप छोटा नहीं होता। स्त्रियों के इस रूप की वजह से ही यह दुनिया आगे बढ़ रही है। बस लोगों को जरूरत है इस बात को समझने की। कामाख्या देवी के मंदिर में
साल की ये 3 दिन इस बात का सबूत है कि ये मंदिर चमत्कारिक है। दोस्तों, यहाँ तो आपने कामाख्या देवी मंदिर के रहस्यों के बारे में जाना, लेकिन देश में ऐसे कई अन्य देवी मंदिर हैं जो अपने रहस्यों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। ज्वाला देवी मंदिर। दोस्तों, ज्वाला देवी मंदिर का नाम तो आप सब ने सुना ही होगा। हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से ही एक है। कहा जाता है कि यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि यहाँ मौजूद देवी के मुख से हजारों वर्षों से अग्नि निकल रही है और इसी वजह से इस मंदिर को ज्योता वाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ माता ज्वाला के रूप में विराजमान है और भगवान शिव यहाँ उन्मत्त भैरव के रूप में स्थित है। दोस्तों, इस मंदिर में पृथ्वी के गर्भ से एक दो नहीं बल्कि पूरी 9 ज्वालाएं निकलती हैं, जिन्हें माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, यह ज्वाला यहाँ कैसे और क्यों निकल रही है, इसका रहस्य कोई सुलझा नहीं पाया है। लेकिन कुछ भूवैज्ञानिकों के मुताबिक यह मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर यह मृत ज्वालामुखी की अग्नि है तो यह संख्या में केवल 9 ही क्यों है। इस मंदिर के प्रति आस्था रखने वाले लोगों का मानना है कि इस मंदिर में जो 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हैं, वे 9 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यवासिनी, हिंगलाज भवानी, अंबिका और अंजना देवी के ही स्वरूप है। कहा जाता है कि आज तक जो भी सच्चे मन से इस रहस्यमय मंदिर के दर्शन के लिए आया, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धारा देवी मंदिर। तो रहस्यों से भरा देवी का एक मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे धारी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर देवी का शक्तिपीठ तो नहीं है, लेकिन इसके रहस्य को जानने के बाद आपका भी सर चकरा जाएगा। इस मंदिर में जाने वाले लोगों ने यह दावा किया है कि इस मंदिर में मौजूद देवी की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मंदिर में उपस्थित मूर्ति सुबह में एक कन्या की तरह दिखती है, दोपहर में युवती और फिर शाम ढलते ही यह मूर्ति एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। दोस्तों, यह नजारा वाकई में हैरान कर देने वाला होता है। देवी काली को समर्पित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ मौजूद माँ धारी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती हैं। इस मंदिर की स्थापना को लेकर जो कहानी प्रचलित है, उसके मुताबिक एक बार भीषण बाढ़ के समय माता की यह मूर्ति बहते हुए उत्तराखंड के धारो गांव के पास पहुंचकर एक चट्टान से टकराकर रुक गई थी, जिसके बाद उस मूर्ति से एक ईश्वरीय आवाज निकली, जिसने गांव वालों को उस जगह पर मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया। कहा जाता है कि इसके बाद गांव वालों ने मिलकर वहां माता का मंदिर बना दिया। पुजारियों की माने तो मंदिर में माँ धारी की प्रतिमा द्वापर युग से स्थापित है। दोस्तों, साल 2013 में उत्तराखंड में कुदरत की विनाश लीला ने जो तांडव मचाया था, वो तो शायद आपको याद ही होगा। कहा जाता है कि उस भयानक बाढ़ का संबंध धारी देवी मंदिर से जुड़ा हुआ है। दरअसल माँ धारी के मंदिर को साल 2013 में तोड़ दिया गया था और उनकी मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटा दिया गया था। लोगों की माने तो मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटाने की वजह से ही उस साल उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। कहते हैं माँ धारा देवी की मूर्ति को साल 2013 में 16 जून की शाम को हटाया गया था और उससे कुछ ही घंटों बाद उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आ गई थी। बाद में लोगों को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने उसी जगह पर फिर से मंदिर का निर्माण करा दिया। तो दोस्तों, ये है देवी भगवती के कुछ रहस्यमय मंदिर। इन मंदिरों के रहस्य को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।